ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैं देवेश खाड़े। हमारे इंस्टीट्यूट में होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का ट्रेनिंग कोर्स हमारे यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, चिमनी, गीजर, वाटर प्यूरीफायर और गैस स्टोव, इसका रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का कोर्स हम कंडक्ट करते हैं। वैसे ही हमारे इंस्टीट्यूट में होम अप्लायंसेस में लगने वाली पीसीबीज, मतलब एसी की पीसीबी, फ्रिज की पीसीबी, वॉशिंग मशीन की पीसीबी, ओवन की पीसीबी, चिमनी की पीसीबी और इंडक्शन की पीसीबी कैसे रिपेयर किया जाता है, हमारे इंस्टीट्यूट में इसका भी ट्रेनिंग कोर्स हम कंडक्ट करते हैं। हम आज देखेंगे तोशिबा इन्वर्टर एसी की पीसीबी हम देखेंगे। इसमें ग्रीवेंस ऐसा है, जब टेक्नीशियन ने हमें ये पीसीबी दी है, जैसे इसमें रिमोट नहीं वर्क कर पा रहा है, जब हम इसे डायरेक्ट ऑन ऑफ करते हैं तब ऑन होने के बाद में इसमें इंडोर मोटर भी वर्क नहीं करती है, मतलब हमारा जो सिस्टम है ये स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो पहले हम इसमें ये चेक करेंगे कि हमारा रिमोट क्यों नहीं वर्क कर रहा है। तो इसके पहले हमने आउटडोर के लिए इसमें कंप्रेसर और इसकी मोटर इसमें कनेक्ट कर दी है ब्लोअर की, उसके बाद में इंडोर के लिए भी हमने इसमें इंडोर मोटर इसमें कनेक्ट कर दी है, डिस्प्ले कनेक्ट कर दिया है और दोनों पीसीबी इसमें कनेक्ट कर दी है। तो इसे हम स्टार्ट करके देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कैसा क्रिएट हो रहा है। तो इसे हम अभी सप्लाई देते हैं, सप्लाई हम इसका ऑन कर देते हैं। अभी सप्लाई ऑन करने के बाद में इसे हम रिमोट से ऑपरेट करके देखेंगे। ये रिमोट है तोशिबा का, इससे हम ऑपरेट करके देख लेते हैं इसे। ये पीसीबी हमारी वर्क नहीं हो पा रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे रिपेयर करना। तो जैसे अभी हम इसका जो डिस्प्ले देख पा रहे हैं जिसमें एलईडीज लगी है, और इसी में आईआर रिसीवर भी होता है जो रिमोट के थ्रू इसमें हम जैसे ऑपरेट करते हैं, उसके बाद में जो सर्किट इसमें होती है, जो सर्किट होती है हमारी कनेक्ट होती है हमारे इंडोर पीसीबी से। अभी हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है। पहले तो हम इसका डिस्प्ले ओपन कर लेंगे। इसके डिस्प्ले में ही जैसे इसकी स्विंग मोटर भी लगी है इसमें, अभी इसका हमने डिस्प्ले ओपन कर लिया है। अभी डिस्प्ले ओपन करने के बाद में जैसे इसमें आईआर लगा हुआ है, आईआर के साथ साथ इधर यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जो ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जो ट्रांजिस्टर हमारे इसमें लगा है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर इसमें लगा हुआ है, और इसका बैक साइड से सर्किट ऐसा है, यहाँ पे सिर्फ ट्रैक्स बने हुए हैं, और जो हमारा वायर जो कनेक्ट हुआ है जो ट्रैक के साथ में, वो हमारे इंडोर पीसीबी के साथ में इसमें कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं इसे स्टार्ट करके कि हमारे ये पीसीबी को जैसे 5 वोल्ट इसमें मिल रहा है क्या। उसके बाद में ये चेक करेंगे रिमोट से जब इसे ऑपरेट करते हैं हम आईआर को, तो इसके जो वी आउट होता है उसके ऊपर फ्लक्चुएशन आता है क्या। अभी इस पीसीबी में हम पावर दे देते हैं, हमने पावर सप्लाई इसका ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद में जैसे इसके ऊपर में हम ये चेक करेंगे आईआर के ऊपर में हमें प्रॉपर 5 वोल्ट मिल पा रहा है क्या, तो हमारे इस जैक से इंडोर के पीसीबी से इसमें 5 वोल्ट्स आते हैं। तो हम इसमें 5 वोल्ट्स आपको चेक करके दिखा देते हैं जैक पे। पहले इस पर 5 वोल्ट स्टैंड है, अभी ऐसा आईआर है तो आईआर पे भी चेक कर लेते हैं 5 वोल्ट्स। आईआर रिसीवर पे भी हमारे 5 वोल्ट स्टैंड है। अभी जैसे ये ग्राउंड हो गया, ये वीसीसी हो गया और ये वी आउट हो गया, तो हमें ग्राउंड से वी आउट के ऊपर में ये चेक करना है जैसे वोल्टेज हमारे इसमें आ पा रहे हैं क्या। तो ग्राउंड से वी आउट पे हम चेक कर लेंगे, इस पे भी 5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। अभी हमें ये चेक करना है जब हम रिमोट से आईआर को जब इसमें हम ट्रांसमिट सिग्नल देते हैं तब ये हमारा वर्क कर पाता है क्या या नहीं कर पाता है। तो इसे चेक करने का तरीका ऐसा होता है, जब हम रिमोट से इसे ऑन ऑफ करेंगे तब इसमें जो वी आउट की पिन होती है इसके ऊपर में जो स्टैंड वोल्टेज होता है, जो 5 वोल्ट स्टैंड होता है, वो फ्लक्चुएट होता है। तो इसे हम अभी प्रोब्स को इसके ग्राउंड और इसके वी आउट पे अभी रख देते हैं। रखने के बाद में जैसे इस पे आप देख सकते हैं 5 वोल्ट इसमें आ रहा है। अभी हम रिमोट से इसे सिग्नल देंगे, ऑन ऑफ करते हैं इसे। अभी जैसे मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ इसमें,
तो आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं, इसमें जो 5 वोल्ट है वी आउट पे वो फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब हमारा जो रिमोट है वो भी प्रॉपर वर्क कर रहा है और आईआर सेंसर भी इसे रीड कर पा रहा है। तो अभी हमें ये चेक करना है कि हमारे इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले तो हम इसमें रेजिस्टर चेक कर लेंगे, जो रेजिस्टर हमारे लगे होते हैं, पहले तो ये रेजिस्टर जो हमारे लगे हुए हैं इसमें, ये LEDs के लिए लगे हुए हैं। उसके बाद में हमारे इसमें 5 वोल्ट के लिए कैपेसिटर लगा है, IR लगा हुआ है और उसमें हमारे इसमें ट्रांजिस्टर लगा है। जो ट्रांजिस्टर लगा है इसमें, ये है NPN ट्रांजिस्टर है। तो हम इसमें पहले सारे रेजिस्टर चेक कर लेते हैं और इसका ट्रांजिस्टर भी हम इसमें चेक कर लेते हैं। सप्लाई मैं ऑफ कर देता हूँ, मीटर को मैं कंटिन्यूटी मोड पे डाल देता हूँ। पहले कंटिन्यूटी मोड पे डालने के बाद में इसका हम पहले ट्रांजिस्टर चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर में जैसे इसमें ये बेस है और ये एमिटर है, कलेक्टर है, तो पहले चेक कर लेंगे NPN है हमारा तो ये प्रॉपर में शो कर रहा है क्या। बेस से एमिटर चेक करता हूँ मैं, 0.277। बेस से कलेक्टर चेक कर लेते हैं, 0.595। अभी जैसे PCB पे हमारा ये ट्रांजिस्टर लगे होने की वजह से इसमें थोड़ा वेरिएशन में आता है रीडिंग में। अभी हम इसमें ये चेक कर लेंगे जो हमारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं ये प्रॉपर लगे हुए हैं क्या। तो मैं रेजिस्टेंस मोड पे मीटर को डाल देता हूँ। अभी जो हमारा रेजिस्टर यहाँ पे ट्रांजिस्टर को जो कनेक्ट है वो लगा है 150 ओम्स का है, ये चेक कर लेंगे हम प्रॉपर है क्या, ये प्रॉपर है। अभी हम बाकी रेजिस्टर्स भी इसके चेक कर लेते हैं, 47, ये भी 150 बराबर दिखा रहा है, ये भी रेजिस्टर ओके शो कर रहा है, 390 ओम्स, ये भी ओके शो कर रहा है, 390 ओम्स, ये भी ओके शो कर रहा है, 150 ओम्स, ये भी ओके शो कर रहा है। अभी हम इसमें ये चेक करेंगे कि हमारे इसमें जो इसमें वायर्स कनेक्ट हैं, जो इंडोर PCB से कनेक्ट है, इसमें कंटिन्यूटी प्रॉपर आ पा रही है क्या। जो हमारा वी आउट है ये प्रॉपर हमारा इसमें इंडोर में कनेक्ट है क्या। तो इसमें बीप मोड पे हम डाल देते हैं, जो बजर मोड होता है इसका, बजर मोड पे डालने के बाद में अभी जैसे हमने PCB देखते बैक साइड से, तो इसमें जो हमारे वायर्स कनेक्ट है यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमें जो 5 वोल्ट इसमें मिल पा रहा है वो यहाँ से यहाँ पर 5 वोल्ट इसमें मिल पा रहा है, ये ट्रैक ओके है। ग्राउंड हमें यहाँ से इसमें मिल पा रहा है, ये भी ट्रैक ओके है। जो हमारा वी आउट है IR का वो इससे कनेक्ट है, ये पॉइंट से यहाँ तक भी हमारा ट्रैक ओके है। अभी हमें ये चेक कर लेना है, यहाँ पर तो ट्रैक ओके है, जब हम इसे रिमोट से इसमें हम फिर से सप्लाई देंगे, अभी हमें ये चेक करना है जब हम रिमोट से इसे फिर से ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे वी आउट पे वोल्टेज फ्लक्चुएट होते हैं क्या। तो स्टार्ट करता हूँ PCB में, PCB स्टार्ट कर दिए मैंने, DC मोड पे डाल लेंगे। जैसे ग्राउंड से मैं 5 वोल्ट चेक कर लेता हूँ, उसमें देखिए स्टैंड है वोल्टेज। उसके बाद मैं वी आउट पे वोल्टेज चेक करते हैं, यहाँ पे भी 5 वोल्ट स्टैंड है। अभी मैं रिमोट से इसे ऑन ऑफ करता हूँ, आप देख सकते हैं मीटर में इसमें भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब यहाँ तक तो हमारे इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी प्रॉब्लम कहाँ पर है, अभी हमें PCB पे यहाँ पे ट्रेस करते हैं। अभी जैसे PCB पे हम प्रॉब्लम ट्रेस करेंगे, तो यहाँ से हमारा वी आउट की लाइन यहाँ रेजिस्टर पे आई हुई है, रेजिस्टर हमारा है 1, 2, 3, मतलब 12 किलो ओम का रेजिस्टर है हमारा, 12 किलो ओम का रेजिस्टर हम चेक कर लेंगे, ये हमारा प्रॉपर शो कर रहा है। उसके बाद में आगे चलते हुए इस ट्रैक से हम आगे जाएंगे, यहाँ से हमें 5 वोल्ट इसमें मिल रहे हैं इस कैपेसिटर से, यहाँ पर भी हमारा रेजिस्टर लगा हुआ है, ये भी रेजिस्टर चेक कर लेंगे, 820 का लगा हुआ है यहाँ पे रेजिस्टर, ये भी ओके शो कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे डिवाइडर बना है, यहाँ पे भी हम चेक कर लेंगे रेजिस्टर, 12 किलो ओम का, ये भी प्रॉपर है, 472 का रेजिस्टर इसमें लगा है, ये भी ओके दिखा रहा है। अभी हमने जो रेजिस्टर इसमें चेक किए हमें थोड़े वैल्यू वेरिएशन दिखा रहा है, क्योंकि ये PCB पे लगा होने के वजह से वैल्यू थोड़े वेरिएशन होते हैं इसमें। अभी इसमें हम ये चेक कर लेंगे, जैसे ही ये ट्रैक वी आउट की जा रही है यहाँ से,
तो वी आउट की ट्रैक जब जा रही है तो इसका मतलब ये पीसीबी इसके पहले भी रिपेयर हो चुकी है, यहाँ पे ट्रैक इस पे बनाई हुई है। तो ट्रैक की कंटिन्यूटी देख लेते हैं, हम कंटिन्यूटी मोड पे डालेंगे यहाँ तक। ओके, इस रेजिस्टर से इस ट्रैक तक देखते हैं, ये भी कंटिन्यूटी ओके, इस ट्रैक तक भी कंटिन्यूटी ओके। ये ट्रैक हमारी जा रही है सीधे एमसीयू में, यहाँ तक भी हमारी ट्रैक ओके है। अब ये जो रजिस्टर है ये चेक कर लेंगे हम, हमारा जो रजिस्टर लगाया है यहाँ पे 1 किलो ओम का रजिस्टर लगाया है, पर यहाँ पे हमें जो वैल्यू शो कर रही है 4.3 मेगा ओम का जो वैल्यू यहाँ पे हमें दिख रहा है, आप मीटर में देख सकते हैं जो ओम का वैल्यू शो हो रहा है 4 मेगा ओम के करीब इसमें वैल्यू शो हो रहा है, मतलब ये रजिस्टर में इसमें फॉल्ट है। तो ये रजिस्टर इसका हम चेंज कर देंगे। ये रजिस्टर हमने यहाँ से रिमूव कर लिया है, अभी जहाँ पे जो रजिस्टर हमारा लगा था ये 1 किलो ओम के करीब रजिस्टर हमारा इसमें लगा हुआ है, तो रजिस्टर हम इसमें नया डाल देते हैं। जो हमारे रजिस्टर की इसमें पैकेज यूज़ हो रहा है 603 का पैकेज है इसमें। वन किलो ओम को रजिस्टर इसमें डाल देंगे। इसमें हमने रजिस्टर लगा दिया है, इसे क्लीन कर लेंगे हम। इसमें हमने अभी नया रजिस्टर लगा दिया है, नया रजिस्टर के लगाने के बाद में इसकी वैल्यू भी हम चेक कर लेते हैं बोर्ड पे। ये 1 किलो हमें प्रॉपर शो कर रहा है। अभी हम इसे सप्लाई देते हैं, सप्लाई इसे दे दिया है हमने। अभी रिमोट से इसे ऑन करके देखते हैं, बीप साउंड आ गया, मतलब इसने सिग्नल हमारा ले लिया है, रिसीव कर लिया है। इस तरह हमने इस पीसीबी का जो हमारा रिमोट का प्रॉब्लम था तोशिबा इन्वर्टर एसी के इंडोर में, वो हमने सॉल्व किया है। इसमें हमने जो फाइंड किया है ये 1 किलो ओम का रेजिस्टर इसमें प्रॉब्लमेटिक था, इसमें ट्रैक ओवर तो हमने चेक कर लिए, ट्रैक में कोई प्रॉब्लम नहीं मिला था हमें, तो रेजिस्टर चेंज करने के बाद में ये हमारी पीसीबी ऑन हो चुकी है। धन्यवाद। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैं देवेश खाड़े, हमारे इंस्टीट्यूट में होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का ट्रेनिंग कोर्स हमारे यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, चिमनी, गीजर, वाटर प्यूरीफायर और गैस स्टोव, इसका रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का कोर्स हम कंडक्ट करते हैं। वैसे ही हमारे इंस्टीट्यूट में होम अप्लायंसेस में लगने वाली पीसीबीज, मतलब एसी की पीसीबी, फ्रिज की पीसीबी, वॉशिंग मशीन की पीसीबी, ओवन की पीसीबी, चिमनी की पीसीबी और इंडक्शन की पीसीबी कैसे रिपेयर किया जाता है, हमारे इंस्टीट्यूट में इसका भी ट्रेनिंग कोर्स हम कंडक्ट करते हैं।